हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मैं अभिषेक कुमार आपको गणित पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत पढ़ रहे हैं। गणितीय आगमन के सिद्धांत में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 14 तक को कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 15 के आगे के सवालों को हल करेंगे। तो देखिए, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना लेट किए हुए। देखिए, प्रश्न संख्या 15 हमारे पास है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 2n माइनस 1 का स्क्वायर बराबर n, ब्रैकेट में 2n माइनस 1, अगले ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपान 3। ठीक है, हमें क्या करना है, गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग से इसे प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम दी गई सवाल को ही हम ना क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, pn सच दैट। ठीक है, pn 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा तो pn स्टेटमेंट हो गया। हम लोग n बराबर किसके लिए, 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए प्रूव करते हैं। n बराबर 1 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, p1 क्या हो जाएगा, p1 सच दैट 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग आपसे कहा है कि LHS में n बराबर 1 का मतलब होता है एक पद। अगर दो लिखता मैं तो दो पद लेता, तीन लिखता तो तीन पद लेता, लेकिन मैंने यहां n बराबर कितना लिया है, एक, तो इसका मतलब कितना पद, एक पद। बराबर क्या हो जाएगा, n का मान यहां एक, यहां हो जाएगा 2 × 1 माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा 2 × 1 प्लस 1 और बड़ा कितना, 3। तो यह हो जाएगा 1 बराबर 2 × 1 2, 2 में से घट जाएगा तो 1 गुड़े 2 × 1 2 और 1 3 बटा कितना, 3, 3 से 3 कट जाएगा और हमारा यहां हो जाएगा 1 बराबर a। क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS। अगर LHS बराबर RHS होता है तो हम लिखते हैं n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए दिया गया, 1 के लिए दिया गया कथन, दिया गया कथन क्या है, सत्य है। अगर n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे n बराबर k के लिए, माना n बराबर k के लिए। तो n बराबर k के लिए देखिए, सबसे पहले तो हम n बराबर k के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, pk सच दैट क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, यहां क्या हो जाएगा, जहां n है वहां क्या हो जाएगा, 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर k ब्रैकेट में 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1 अपान कितना, 3। ठीक है, ये हमारा k स्टेटमेंट हो गया। इसे हम लोग क्या बनाते हैं, समीकरण नंबर 1 बनाते हैं और आगे चलते हैं और लिखते हैं कि n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए, k के लिए दिया गया कथन, दिया गया कथन क्या है, सत्य है। दिया गया कथन क्या है, सत्य है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, अब मान लेंगे, माना n बराबर k प्लस 1 के लिए, k प्लस 1 के लिए, तो यहां क्या हो जाएगा, पी के प्लस 1 सच दैट क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में, ध्यान से यहां लिखना पड़ेगा आपको, बहुत ध्यान से देखिए, 2, ठीक है, n की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, k प्लस 1 और यहां कौन है, माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा k प्लस 1, ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, 2 k प्लस 1 माइनस 1, यहां क्या हो जाएगा, 2 k प्लस 1 और प्लस 1 और पूरे का बटा कितना, 3। ठीक है, इसे आगे चल के थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, यहां क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, ये हो जाएगा कितना, 2 × 1 = 2। ध्यान से देखिए, ये k प्लस 1 स्टेटमेंट हमने लिखा है ना, इससे पहले वाला जो स्टेटमेंट होगा वो 2k प्लस 2k, यहां क्या होगा, 2k और माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, प्लस, यहां हो जाएगा 2k प्लस 2 × 2 और 2 में से घट जाएगा तो 1, 2k प्लस 1 का क्या, होल स्क्वायर, और बराबर इसे सॉल्व करके लिखिए, ये हो जाएगा k प्लस 1, यहां क्या हो जाएगा, 2k प्लस 2 माइनस 1, तो मतलब 2k और प्लस 1, यहां हो जाएगा 2k प्लस 3, 2k प्लस 3 और पूरे का बटा कितना, 3। क्या करेंगे हम लोग, LHS लेंगे, क्या लेंगे,
LHS हमारे पास क्या है? LHS है एक का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस पांच का स्क्वायर प्लस डॉट 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 क्या है? 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर यहां क्या हो जाएगा? प्लस 2k प्लस 1 का स्क्वायर। अब ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? LHS हो गया। इसे समीकरण नंबर क्या बनाएंगे? 2। और क्या लिखेंगे समीकरण 1 से क्या करने पर? मान रख दें यहां क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हो जाएगा हमारे पास 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहां से यहां तक का मान रखेंगे हम लोग समीकरण 1 से, ये हो जाएगा 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, यहां देखिए 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर तक का मान रखेंगे ना, तो ये मान क्या हो जाएगा हमारे पास? k ब्रैकेट में 2k माइनस 1, अगले ब्रैकेट में 2k प्लस 1 अपॉन कितना 3 प्लस 2k प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए इसका बटा एक तो करेंगे, लेकिन इससे पहले कि सॉल्व करें हम, कि इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है उसे क्या कर लेते हैं? कॉमन। तो कॉमन कौन है? 2k प्लस 1। तो 2k प्लस 1 हम लोग क्या कर लेते हैं? कॉमन। ये देखिए 2k प्लस 1 क्या हो गया हमारा? कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो बचा क्या? बचा है k ब्रैकेट में 2k माइनस 1 बाई 3 प्लस 2k प्लस 1। सॉल्व कर लीजिए, इसका बटा एक तो हमारे पास पहले से था, बटा एक ही करते हैं और LCM लेकर के इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2k प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 3 दूना 6k प्लस 3 एकन्नम 3 बटा कितना 3। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? 2k प्लस 1 अपॉन 3 ब्रैकेट में 2k स्क्वायर प्लस 6 में से 1 कितना 5k प्लस कितना 3। ठीक है, देखिए ये गुणनखंड हो सकता है इसका, कैसे? 3 दूना 6 का खंड कीजिए ताकि जोड़ने पर कितना मिले? 5। 6 का खंड तो 3 दूना 6, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 5। तो ये हो जाएगा कितना? 2k प्लस 1 एक ब्रैकेट में, इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा? इसका गुणनखंड हो जाएगा 2k, कितना हो जाएगा? अच्छा 2k प्लस 3 और अगले में क्या हो जाएगा? k प्लस 1। ठीक है, अपान कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, ये रहा हमारा कौन? RHS। कौन? देखिए यहाँ RHS k+1, ठीक है, 2k+1 और 2k+3/3। ठीक है, ये हमारा कौन है? RHS। तो लिखेंगे क्या? अतः PMI से सिद्ध होता है फॉर ऑल यानी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए दिया गया कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, ये दिया गया कथन क्या है हमारे पास? सत्य है। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो हम यहाँ गुणनखंड कर देते हैं आपके लिए। देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3, तो 3 दूना कितना 6 हो गया। ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस कितना 3k प्लस 3, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा 2k, बचेगा क्या? k प्लस 1, यहाँ प्लस 3 कॉमन तो k प्लस 1, इन दोनों में कौन कॉमन हो जाएगा? k+1, बचेगा क्या? 2k+3। ठीक है, ये रहा, ये देखिए, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में हम लोग PN स्टेटमेंट के साथ लिखते हैं PN such that 1 upon 1 into 4 plus 1 upon 4 into 7 plus 1 upon 7 into 10 plus dot 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 plus 1 upon 3n minus 2 into 3n plus 1 बराबर n upon 3n plus 1। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हमें ये n स्टेटमेंट है, हम लोग n बराबर कितने के लिए? 1 के लिए प्रूव करेंगे। तो लिखिए n बराबर 1 के लिए, माना n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए बात करें तो ये क्या हो जाएगा? P1 such that 1 upon 1 into 4 बराबर n का मान 1/3 × 1 + 1, तो ये हो जाएगा 1/4 बराबर 1/4। मतलब LHS बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? LHS बराबर हमारे पास RHS। ठीक है, क्या लिखेंगे? लिखेंगे n बराबर 1 के लिए दिया
गया कथन सत्य है, दिया गया कथन क्या है हमारे लिए सत्य है। आगे बात करेंगे क्या मान लेते हैं, माना यन बराबर के लिए, यन बराबर के लिए क्या हो जाएगा पी के सच दैट 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस डॉट 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 प्लस 1/ क्या हो जाएगा 3k माइनस 2। यन की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग, के रख रहे हैं। अगला क्या हो जाएगा 3k + 1 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा k/3k + 1। ठीक है, ये हमारा केस स्टेटमेंट हो गया। और इसे हम लोग क्या बनाते हैं, इसे ही बनाते हैं समीकरण नंबर कितना 1। ध्यान से अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए दिया गया कथन, दिया गया कथन क्या है सत्य है। ठीक है, n बराबर k के लिए दिया गया कथन क्या है सत्य है। तो ये हो जाएगा क्या हमारा, अगली वाली लाइन लिखेंगे माना n बराबर k+1 के लिए, n बराबर k+1 के लिए की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा p k+1 स्टेटमेंट। ये हो जाएगा 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ हो जाएगा 1/, बहुत ध्यान से लिखने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि k और k+1 स्टेटमेंट ही तो समस्या पैदा करते हैं। तो k+1 स्टेटमेंट ध्यान से लिखिए, जहां यन है वहां k+1 रख रहे हैं, तो अंदर 3 से गुणा भी होना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 3k+3 और -2। अगले में क्या हो जाएगा 3k+3 और +1 बराबर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा k+1/3k+3+1। ठीक है, ये रहा, इसे अगली लाइन में थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखते हैं। देखिए ये हो जाएगा 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस, ये k+1 स्टेटमेंट है ना, इससे पहले k स्टेटमेंट लिखिए, कौन सा स्टेटमेंट k स्टेटमेंट, जैसा कि हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। तो यहां क्या हो जाएगा प्लस 1/3k-2, अगला हो जाएगा 3k+1 और प्लस 1/3 में से 2 घट जाएगा तो 1 बचेगा 3k+1, और यहां क्या हो जाएगा 3 और 1 4, 3k+ कितना 4 बराबर k+1/3k+4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से LHS उठाएंगे, क्या उठाएंगे LHS। देखिए LHS, हमारा LHS क्या हो जाएगा, हमारा LHS हो जाएगा 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 1/3k-2 3k+1। ठीक है, और क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 1/3k+1 और क्या 3k+4, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, 2 से समीकरण 2 में, समीकरण 1 से मान रखने पर, चलिए वैल्यू रख दीजिए भैया, तो वैल्यू ये हमारी यहां से यहां तक की रखी जाएगी। देखिए k-2 और 3k-2 और 3k+1 यही है ना हमारे पास के स्टेटमेंट, तो इसका मान कितना है k/3k+1, यहां हो जाएगा k/3k+1 प्लस क्या बचा 1/3k+1 इंटू क्या बचा 3k+4। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसे जब सॉल्व करेंगे इन दोनों में से सबसे पहली बात तो कॉमन है 1/3k+1, इसे हमने क्या कर लिया कॉमन, बचा क्या हमारे पास k/1/3k+4। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3k+1, यहाँ हो जाएगा कितना, ये इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3k² + 4k+1 / 3k+4। ठीक है, देखिए ये हमारा हो जाएगा 3 एकन्नम 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, मतलब ये गुणनखंड हो जाएगा 1/3k+1 गुणे 3k+1 इंटू के प्लस 1 अपान कितना 3k+1। ठीक है, ये हो जाएगा 3k+4 है, तो ये 3k+ कितना रहेगा 4 और ये भी 3k+ कितना 4, 3k+1 से 3k+1 क्या हो जाएगा,
कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना के प्लस वन अपान थ्री के प्लस फोर, जो कि क्या है हमारा आर एच एस। इस प्रकार से एल एच एस बराबर हमारा क्या हो गया आर एच एस हो गया, और इसलिए हम लिखेंगे अतः पी एम आई से फॉर ऑल एन इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए दिया गया कथन क्या है सत्य है। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्न संख्या 16 को भी क्या किया है सॉल्व किया है। आप क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें या तो नोट करें। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। देखिए प्रश्न संख्या 17 हमारे पास है ए पी एन सच दैट एक इंटू एक बटा तीन इंटू पांच प्लस एक बटा पाँच इंटू सात प्लस एक बटा सात इंटू नौ इन प्लस डॉट 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 प्लस एक बटा टू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस थ्री बराबर एन अपान थ्री ब्रैकेट में टू एन प्लस थ्री। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले n बराबर एक के लिए, n बराबर एक के लिए, n बराबर एक के लिए हमारा क्या हो जाएगा p1 such that एक बटा तीन इंटू पांच बराबर एक बटा तीन इंटू दो तीन ब्रैकेट में दो इंटू n का मान एक प्लस कितना तीन, क्या हो जाएगा कितना तीन पचे पंद्रह बराबर दो एकन्नम दो तीन पांच तिया पंद्रह। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या एल एच एस बराबर आर एच एस। एल एच एस बराबर हमारे पास क्या हो गया आर एच एस। लिखेंगे क्या एन बराबर एक के लिए, एन बराबर एक के लिए दिया गया कथन, दिया गया कथन क्या है सत्य है। ठीक है, एन बराबर एक के लिए दिया गया कथन सत्य है, तो हमारा क्या हो जाएगा अगली बात मानेंगे, माना एन बराबर के लिए, एन बराबर के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास पी के स्टेटमेंट, पी के स्टेटमेंट हो जाएगा वन अपान थ्री इंटू फाइव प्लस वन अपान फाइव इंटू सेवन प्लस वन अपान सेवन इंटू नाइन प्लस डॉट 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 प्लस वन अपान। ध्यान से हम के स्टेटमेंट पे पहुंच गए हैं, बेहद ध्यान से लिखने की जरूरत है। क्या यहाँ एन है तो के लिखेंगे, ये हो जाएगा टू के प्लस वन, अगला क्या हो जाएगा टू के प्लस थ्री, टू के प्लस थ्री बराबर के अपान थ्री ब्रैकेट में टू के प्लस थ्री। ठीक है, ये रहा क्या करेंगे इस स्टेटमेंट को लिखेंगे के लिए है तो फिर से वही हमारा पुराना डायलॉग होगा कि एन बराबर के लिए दिया गया कथन सत्य है, दिया गया कथन क्या है सत्य है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कितना एक। अब क्या लिखेंगे, मानते हैं माना एन बराबर के प्लस वन के लिए, के प्लस वन के लिए क्या हो जाएगा पी के प्लस वन सच दैट क्या हो जाएगा वन अपान थ्री इंटू फाइव प्लस वन अपान फाइव इंटू सेवन प्लस वन अपान सेवन इंटू नाइन प्लस डॉट 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 वन अपान क्या हो जाएगा टू, के क्या मान कितना हो जाएगा के प्लस वन और प्लस वन। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है ये वाला। इतना अगले के लिए लिखेंगे 2k प्लस वन प्लस थ्री, ठीक है बराबर क्या हो जाएगा k अपान, अच्छा k की जगह k प्लस वन, यहाँ हो जाएगा तीन ब्रैकेट में 2k प्लस वन प्लस थ्री। ठीक है, ये रहा। चलिए देखिए ध्यान से, पहले तो हम इसी स्टेटमेंट को एक और कदम आगे बढ़ के लिखते हैं। ये k प्लस वन है, जिससे पहले k स्टेटमेंट भी लिखते हैं और इसे सरल भी कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा कितना वन अपान थ्री इंटू फाइव प्लस वन अपान फाइव इंटू सेवन प्लस वन अपान सेवन इंटू नाइन प्लस डॉट 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 प्लस देखिए वन अपान क्या हो जाएगा के स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो के स्टेटमेंट क्या हो जाएगा टू के प्लस वन और क्या हो जाएगा टू के प्लस थ्री प्लस वन अपान देखिए दो एकन्नम दो और दो एकन्नम दो, दो और एक कितना हो जाएगा तीन, मतलब टू के प्लस तीन, यहाँ कितना हो जाएगा टू के प्लस फोर बराबर के प्लस वन अपान तीन इंटू यहाँ हो जाएगा टू के प्लस टू तीन और दो पाँच मतलब टू के प्लस पाँच। ठीक है, ये रहा। अब हम इसमें से क्या उठाएंगे एल एच एस, क्या उठाएंगे एल एच एस। देखिए ये हमारा रहा हो जाएगा एल एच एस, एल एच एस हमारे पास हो जाएगा वन अपान थ्री इंटू फाइव प्लस
वन अपान फाइव इंटू सेवन प्लस वन अपान सेवन इंटू नाइन प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा, वन अपान टू के प्लस वन, वन अपान टू के प्लस वन और क्या हो जाएगा इंटू टू के प्लस थ्री प्लस क्या हो जाएगा वन अपान टू के प्लस थ्री इंटू टू के प्लस फोर। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कितना, दो। क्या लिखेंगे समीकरण दो में, समीकरण दो में समीकरण एक से, समीकरण एक से मान रखने पर, किसका मान रखेंगे, मान के तक का रखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा के तक है। देखिए हमने वहां ब्रैकेट लगा रखा है, के तक के लिए मान क्या है हमारे पास, देखिए यही है ना, तो ये मान हमारा हो जाएगा कितना, के अपान थ्री ब्रैकेट में टू के प्लस थ्री प्लस क्या बचा हमारे पास, ये स्टेटमेंट यहाँ हो जाएगा वन अपान टू के प्लस थ्री और टू के प्लस फोर। चलिए देखिए इन दोनों में कॉमन कौन है, हमारे पास दो पद है ना, इन दोनों में कॉमन कौन है, कॉमन है वन अपान टू के प्लस थ्री, तो बचेगा क्या के बटा तीन प्लस वन अपान टू के प्लस फोर। ठीक है, ये हो जाएगा वन अपान टू के प्लस थ्री और ये हो जाएगा टू के स्क्वायर, देखिए एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं, इसका गुणा यहाँ होगा तो टू के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस तीन एकन्नम तीन बटा तीन ब्रैकेट में टू के प्लस फोर। ठीक है, ये हो गया, ध्यान से देखिए आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग सॉल्व करते हैं टू के प्लस फोर। ठीक है, देखिए ध्यान से इसका क्या करेंगे, गुणनखंड दो तिहाई कितना हो जाएगा छः, दो तिहाई कितना हो जाएगा छः, छः का ऐसा खंड करेंगे, छः का क्या करेंगे ऐसा खंड करते हैं कि हमें जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए, चार मिलना चाहिए। ठीक है, देखिए इसका गुण, अच्छा गुणनखंड नहीं हो पा रहा है ना, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ हमारी एक छोटी सी मिस्टेक है, ये देखिए इसे सॉल्व करने में, ये हो गया टू टू के प्लस टू वन या टू प्लस कितना थ्री, तो तीन दो कितना होगा पाँच होगा, जिससे हमने क्या लिखा चार। ठीक है, ये पाँच रहेगा। ठीक है, यहाँ हमारा लास्ट स्टेटमेंट है ना, यहाँ फोर की जगह कितना रहेगा फाइव और यहाँ भी फाइव। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ भी कितना हुआ फाइव, तो यहाँ हो जाएगा टू के स्क्वायर प्लस फाइव वन जा फाइव। ठीक है, प्लस थ्री, तो दो तिहाई कितना हुआ छः, दो तिहाई कितना हुआ छः और दो और तीन कितना हो जाएगा पाँच, देखिए गुणनखंड भी हो गया ना, तो हम लोग इसे तो लिखते हैं और यहाँ भी कितना रहेगा पाँच। ठीक है, तो इसका गुणनखंड जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए गुणनखंड हो जाएगा टू के प्लस तीन। ठीक है, और अगला गुणनखंड क्या, अगला पद क्या हो जाएगा के प्लस वन, अपान क्या हो जाएगा टू के प्लस तीन इंटू तीन ब्रैकेट में टू के प्लस पाँच, टू के प्लस तीन से टू के प्लस तीन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या के प्लस वन अपान तीन इंटू टू के प्लस फाइव। ठीक है, ये हमारा क्या रहा आर एच एस, ये हमारा क्या है आर एच एस। इस प्रकार से हम लोग क्या लिखेंगे, अतः पी एम आई से, अतः पी एम आई से फॉर ऑल यानी इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए दिया गया कथन क्या है सत्य है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने प्रश्न संख्या 17 को भी क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा, आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।